यार आजकल ना ऐसे ना यार आज ना स्वीट और चिली का जो एकदम बढ़िया सा फ्लेवर है ना मेरे ना मुंह में टेस्ट सब चीजों में से फूट रहा है। तो भाई साहब सब्जियों का मतलब भरमार लगा रखा है यार, इतनी सारी सब्जियों का नाम भी नहीं पता मेरे को। तो हम एक थोड़ा सा एक्टिंग करेंगे और आप बताना हम किस जगह पे खाना खाने जा रहे हैं। आजकल ना हम एक वीडियो बड़ा देख रहे हैं जो यूट्यूब पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है और व्यूज आ रहे हैं उनपे, तो आज ना हम उनके क्लाउड किचन जा रहे हैं खाना ऑर्डर करने। आपको ले जाते हैं और आप बता दो अगर आपने पहचान लिया उस कंटेंट क्रिएटर को। हम अपने इस गाड़ी एज अ स्टूडियो एज अ किचन जिसको हम हर तरीके से किचन नहीं है हाँ मतलब डाइनिंग एरिया हर तरीके से यूज करते हैं, तो उसका इंटीरियर तो समझा दे मुझे। तो ये क्यों है, ये क्या है? ये तोप है, इट इज अ तोप। देखो जैसे कभी क्या बोलते हैं हम रास्ते में जा रहे हैं जैसे बहुत इंसान मिलते हैं जिनका मन करता है बजा दो तो ये उन लोगों के लिए तोप है। इसमें से कुछ निकलता है वो मैं अभी यहाँ पर ऑन एयर नहीं बता सकता क्योंकि इल्लीगल है ये रखना। और ये क्यों रखा है? ये मेरे को रिमाइंड कराता है कि मेरी जो जिंदगी है वो नोबिता की तरह है। और ये 2 रुपए का ये क्यों रख रखा है तूने? ये जो ये टिकता नहीं है, पूरे 250 रुपए का पीस। तो अब हम अपने डाइनिंग एरिया में खाना खाने एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो यार आज ना हम आए एक बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर के क्लाउड किचन कम टेक अवे रेस्टोरेंट पर। आजकल ना बहुत ज्यादा ही फेमस है उनकी रील्स यार, शॉर्ट्स रील्स यूट्यूब पे बहुत ही फेमस है उनकी रेस्टोरेंट की वीडियोस। तो हमें उनका टेस्टी खाना खींच लाया, बाकी आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो हम आए क्रेविंग्स एंड कैलोरीज AKA तुषार भैया के क्लाउड किचन हाफ फ्राइड में। और जब उनकी मैं वीडियोस देखती हूँ उनका खाना मुझे इतना टेस्टी लगता है कि बस सब खा लूं। और काफी यूनिक खाना भी है इनके पास, तो वो हम जरूर ट्राई करेंगे। सबसे बड़ी बात है इनके बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो मैंने शायद कभी पहले खाए भी नहीं है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं खाना ट्राई करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तो सभी मंगवा लूंगी जितने भी आइटम के आगे बेस्ट सेलर है मस्ट ट्राई है ना, मैं सब ऑर्डर करने वाला। और यार एक सिंपल सी बात है, जब फूड ब्लॉगर का कोई रेस्टोरेंट खुलता है ना तो वो बहुत सोच समझ के खोलता है और वो बहुत सोच समझ के डिशेस को बनाता है या बनवाता है जो भी है। तो हमें पूरा यकीन है कि खाना तो अच्छा होगा, तो लेकिन हमें क्या क्या अच्छा लगा और हमने क्या क्या ऑर्डर करा वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे हाँ, और वीडियो को लाइक भी कर दे और कमेंट कर देना अपना बेस्ट पार्ट वीडियो का। तो चलिए चलते हैं। और हाँ वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड डैंगर्स। तो हमने करी है काफी सारी चीजें ऑर्डर, तो उसमें से अलग अलग हम आपको दिखाएंगे क्या क्या ऑर्डर किया है। सबसे पहले है ये है हनी चिली पनीर मोमोज, जो लुक दिखने में ना मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप एक बार देखो इसमें अंदर पनीर की फिलिंग है और मेरे को बहुत ज्यादा मुंह में पानी आ रहा है। वाह यार फिलिंग बहुत अच्छी है, स्वीट और चिली का जो एकदम बढ़िया सा फ्लेवर है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हनी चिली पोटैटो खाए हैं आपने? ये वो मोमोज है इसके अंदर बस, तो ये बहुत बहुत अच्छा टेस्ट कर रहे हैं। आई रियली लाइक इट। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा ये अफ्रीकन हर्ब्स पेरी पेरी फ्राइज, जो दिखने में तो पेरी पेरी फ्राइज जैसे हैं, अब टेस्ट में देखते हैं कैसे हैं। जो पेरी पेरी फ्राइज बहुत ज्यादा तीखे होते हैं ना वैसे नहीं है, पेरी पेरी मसाले का टेस्ट है बट अफ्रीकन हर्ब्स के साथ ना ये थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा वो टेस्ट कर रहे हैं और बहुत बहुत ही बैलेंस सा टेस्ट आ रहा है इसमें। बाकी मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्वांटिटी वाइज ओके ही है, जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग खाना काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी अगला आइटम ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा एक कुरकुरे चाप, जो कि 150 रुपीस की है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हैं, तो 150 के हिसाब से 8 पीसेस इज गुड। काफी क्रिस्पी लग रही है, साउंड मजेदार। 3 चटनियां इसमें, एक हमारी मेयोनीज, एक हमारी तंदूरी मेयो और एक चिली सॉस, तो तीनों को थोड़ा थोड़ा लगाया जाए और इसको चखा जाए। बहुत यम, तो जो आप क्रिस्पी चिकन खाते हो ना यार एकदम वैसा ही टेस्ट आ रहा है इसमें। और ये वेज है, ड्यू टू सम रीजंस हम चिकन नहीं ट्राई कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। आई एम श्योर कि चिकन भी बहुत अच्छा होगा यहाँ का जब वेज आइटम इतना अच्छा है। बाकी इसको भी कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट आइटम बताइए आपको पूर्णिमा।
मेरे ना मुंह में टेस्ट सब चीजों में से फूट रहा है। तो नेक्स्ट चीज जो हमने मंगाई है वो है इनका वेज देसी बर्गर, वेज इंडियन स्टाइल बर्गर। अच्छा ह्यूज बर्गर है और सिर्फ 80 रुपीज का है ये। इसमें काफी बड़ा पैटी है, दो बंस है और चटनी है और ये अनियन है, टमेटो है और लेटिस। तो मैं बताती हूँ कैसा है। बर्गर को हमेशा ऐसे उल्टा खाते हैं हमारे में, तेरे बाप को मत सिखा। काफी जूसी क्रिस्पी और मैं बताऊं जितना भी हमने आइटम ट्राई करे ना उसमें क्वालिटी फूड, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी सबकी अच्छी है और प्राइसेस एकदम नॉमिनल। भाई कैसे कर रहा है, मतलब मैं इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने कभी भी ऐसी गाड़ी में बैठी किसी भी टेक अवे रेस्टोरेंट से ना इतना क्वालिटी फूड नहीं खाया। आई एम इम्प्रेस्ड, ये बहुत टेस्टी है। तो यार अब ना पूरे मेन्यू में से कुछ एक दो आइटम्स ही बचे थे तो उसमें से हमने मंगवाया इनका मस्ट ट्राई मक्खनी सॉस पास्ता जो बहुत गर्म है। लेकिन यार ये क्वांटिटी काफी अच्छी है। क्या करता है रे तेरी तो। अच्छा टेस्ट है वैसे, काफी मक्खनी फ्लेवर, तंदूरी फ्लेवर टाइप्स आ रहे हैं, क्रीमी है, पास्ता भी अच्छा कुक्ड है और वेजीज भी काफी ज्यादा, ब्रोकली है, कैप्सिकम है, बेल पेपर है। तो यम्मी, वेरी नाइस। इसके बाद हमारा लास्ट आइटम ऑफ हाफ फ्राइड हमने ऑर्डर कर दिया है और वो आने वाला है। तो हमारा लास्ट आइटम आ चुका है और ये है कैसीडिया वेज वाला और ये सिर्फ 130 रुपीज का यार, और इतना ज्यादा क्वांटिटी और इसके अंदर तो भाई साहब सब्जियों का मतलब भरमार लगा रखा है। कौन है? भूपेंद्र जोगी। टमेटोज हैं। कौन है? भूपेंद्र जोगी। ब्रोकली है यार, इतनी सारी सब्जियों का नाम भी नहीं पता मेरे को। तंदूरी मेयो के साथ अपना प्यार भी बरसाया हाफ फ्राइड के शेफ ने। सो लेट्स ट्राई। सौदों पेट भर गया है, मन नहीं भरा आज, जब भी हमने इतना सारा ऑर्डर करा है तो खाते हैं। यम। बाहर का जो ये कवर है ना काफी सही लग रहा है मेरे को, अंदर की वेजीज भरी भरी और मस्त मेयो का टेस्ट, चीज का टेस्ट, मजा आ गया। तो यार अब ना मैं इसको कम्प्लीट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ हमारा ओवरऑल कंक्लूजन। बहुत पेट भर चुका है। लेट मी बर्फ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बहुत ज्यादा पेट भर चुका है और आज ना यार मजा आ गया खाने में एट हाफ फ्राइड। और आप मानोगे हमने इतना सारा ऑर्डर किया और हमारा मात्र बिल आया 700 कुछ रुपीस का। 760 में भी है। और आई एम अमेज क्योंकि खाना इतना टेस्टी, क्वालिटी इतनी अच्छी, क्वांटिटी इतनी अच्छी और आइटम्स इतने अच्छे, मतलब वैरायटी बहुत वैरायटी, मतलब आपके पास चिकन के लिए भी, वेज के लिए भी, पनीर के लिए भी हर ऑप्शन है। मेन्यू में बहुत सारी आइटम्स है, मतलब हमने कोशिश करी की हर एक एरिया में से बेसिकली कोई चीज खा पाए और आपको बता पाए की यहाँ का खाना कैसा है। और वी loved it. We loved it. अगर तुषार भाई अगर अभी वीडियो by chance आपके पास पहुंच गया और अगर आप देख रहे हो तो it's a big heart for you क्योंकि बहुत tasty है, हमने बहुत enjoy किया और हमें ये realize हुआ कि एक food blogger ही इतने taste की अच्छे से जान पहचान रख सकता है और एकदम टू द पॉइंट खाना दे सकता है। और मैं सच बताऊंगा कुरकुरे चाप तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप कुछ भी ना खाओ ना तो कुरकुरे चाप के लिए तो जरूर आना यहाँ पर, मस्ट ट्राई है। बाकी हमारी वीडियो को प्लीज कर दो लाइक, कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो विद तुषार भैया, पहुंचा दो, इतना फैला दो कि तुषार भैया तक पहुंच जाए और अपने फेलो लोगों, मेंबर्स, फैमिली तक। और प्लीज बहुत सारा प्यार दो हमें और कोई और अगर आपकी नजरों में फूड ब्लॉगर का किसी कंटेंट क्रिएटर का कैफे हो तो हमें बताओ कमेंट करके, हम जरूर जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।